कपाने वाली सर्दी में पूरी रात बानत करके पेट भरने वाला अपने बच्चों का किसान चोर नहीं होता है, इस बात पे कोई चर्चा नहीं करा कि मजबूर क्यों है वो चोरी करने को। 48 डिग्री टेम्परेचर में पत्थर तोड़कर बेटों का पेट भरने वाला मजदूर जानबूझ के चोर नहीं होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, दर दर घूमते हैं झोली फैलाते हुए, बंद करो ये उद्योग, एक बार इस किसान की दशा सुधार दो, जरूरत नहीं पड़ेगी भीख मांगने की विदेशों में जाकर के किसी के सामने। मैंने देखा एक किसान को रोते हुए मेरे विधानसभा में, वो गरीब किसान बेटे को कोचिंग कराना चाहता है लेकिन उसी वक्त बिजली का बिल आ जाता है। वो जब वो कोचिंग की फीस दे देता है तो उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। वो गिड़गिड़ाता है, मेरा कनेक्शन मत काटो सर, मैं जमा करा दूंगा, मुझे मौका दो, मेरी फसल कट के आने वाली है। उसका बेरहमी से भ्रष्ट बिजली विभाग के अधिकारी जाकर के कनेक्शन काट देते हैं और अगर उनकी संपत्ति की जांच की जाए तो करोड़ों के मालिक मिलेंगे। सभापति महोदय, आपके